यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने शनिवार रात लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से रूस के 8 इलाकों पर हमला कर दिया है। हमले में रूस के 3 पावर सब स्टेशन और 1 फ्यूल डिपो में आग लग गई है। जानकारी के अनुसार हमले में 2 आम नागरिकों की मौत भी हुई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी इस अटैक की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि रूस के डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन में करीब 50 ड्रोन्स को मार गिराया है। रूस भी यूक्रेन में इस तरह के हमले कर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है। यूक्रेन में ढंग की वजह है से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। यहां न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। वही रूसी सेना इसी का फायदा उठाकर यूक्रेन पर हमला कर रही है, जिससे आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।